नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पहाड़ी गुरुजी में। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल में जनरल नॉलेज, उत्तराखंड जीके और सामान्य ज्ञान की वीडियो अपलोड की जाती है। इसी क्रम में एक वीडियो और अपलोड की जा रही है। यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की नई वीडियो। ग्यारहवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के जनपदों में कौन सा जनपद नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? ऑप्शन है पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों, नेपाल सीमा से कौन सा जिला लगा हुआ है? ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? तो बच्चों, ऑप्शन है बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो बच्चों, किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? ऑप्शन ए बाह्य हिमालय क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो बच्चों, ये तो करंट का क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो जल आपदा कब आई थी? अप्रैल 2013 में, मई 2013 में, जून 2013 में, अगस्त 2013 में। तो बच्चों, आपदा कब आई थी? आपदा आई थी ऑप्शन सी जून 2013 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नदियों से भी क्वेश्चन बनते हैं, नदियों का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो बच्चों, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से, गोमुख से, तपोवन से, विष्णुप्रयाग से। तो बच्चों, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो बच्चों, राष्ट्रीय उद्यानों से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्षेत्रफल के बारे में भी पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है यह भी पूछा जाता है। तो बच्चों, इसके ऑप्शन है 520.82 वर्ग किलोमीटर, 195.5 किलोमीटर, 3300 वर्ग किलोमीटर, 1316 वर्ग किलोमीटर। तो बच्चों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 520.82 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों, किस नाम से जाना जाता है? दयारा बुग्याल, फूलों की घाटी, बेदनी बुग्याल, हर की दून। तो बच्चों, किस नाम से जाना जाता है नंदकानन को? नंदकानन को जाना जाता है फूलों की घाटी के नाम से, ऑप्शन बी इसका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में मैती आंदोलन के प्रेरणा स्रोत या प्रेरणता कौन थे? ऑप्शन है इसके कल्याण सिंह रावत, जगत सिंह चौधरी, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी। तो बच्चों, कौन थे? कल्याण सिंह रावत, इन्हें कल्याण सिंह मैती भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है नैनीताल, देहरादून, चमोली, उपरोक्त में कोई नहीं। तो बच्चों, कहां पर स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है चमोली जिले में, ऑप्शन सी इसका सही है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस पौधे को उगाने के लिए दर्ज है? ऑप्शन है मक्का, तिल, मिर्च, गेहूं। तो बच्चों किस पौधे के लिए अल्मोड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है? ऑप्शन सी, मिर्च के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीसवां क्वेश्चन, उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? विकेट बंदोबस्त हुआ था, ऑप्शन है 1863 से 1873, 1873 से 1883, 1853 से 1863, 1883 से 1893। तो बच्चों कब हुआ था विकेट बंदोबस्त? ऑप्शन ए 1863 से 1873 ईस्वी में। तो बच्चों अब तक हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चनों के बाद हम हर 10 क्वेश्चन के बाद एक रिवीजन टेस्ट लेते हैं। तो रिवीजन टेस्ट में दो क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन टेस्ट। आज के क्वेश्चन हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? दूसरा क्वेश्चन है, मैती आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बच्चों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इनका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। तो वीडियो समाप्त करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट करें। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत।